सूरत हाईवे पे। तो आगे चल रहा है जयेश अपना एवेंजर लेके, देख रहे हो पूरा बैग बैग वगैरह लेके, पूरा सामान इसके पास है। मेरे को वीडियो बंद करना पड़ा आगे क्योंकि कैमरेज के पास बहुत बारिश थी और इधर भी बारिश थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नवसारी, तो नवसारी से हम नीचे उतर चुके हैं अभी, तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे सापुतारा की ओर। तो बहुत ही अच्छा रास्ता है, मेरे को ऐसा मैंने देखा है मैप के अंदर और मैंने सुना भी है कितने लोग के पास, तो अच्छा रास्ता है। बस से धूप निकल चुकी है तो रास्ता भी बहुत ही अच्छा है और टाइम भी अपना अच्छा कवर हो रहा है अभी, क्योंकि स्पीड भी मिल रही है अपने को और रास्ता अच्छा है इसके हिसाब से। तो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो नहीं किया है उन लोग भी सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मिले आपको भी। अभी हम लोग जो वघई के पास पहुंच चुके हैं जो बॉटनिकल गार्डन है, तो यहाँ से सापुतारा 51 किलोमीटर से अभी, और सोचते हैं कि गिरादोद यहाँ से 6 किलोमीटर है, तो वहीं पे भी देख के जाते हैं। तो गिरादोद देखने का प्लानिंग अभी हम लोग ने बनाया है चालू में ही, कोई प्लानिंग नहीं था लेकिन अब देख के जाएंगे। गिरादोद बहुत अच्छा पानी गिर रहा है वहीं पे भी, तो वहीं पे रुक मैंने पूछा तो जयेश ने भी बोला और मेरी वाइफ भी साथ में है आज, तो बोला कि गिरादोद भी देख के ही जाते हैं। तो हम अभी यहाँ से राइट लेंगे और गिरादोद की ओर जाएंगे, तो गिरादोद साथ में देख के ही जाते हैं। यहीं से गिरादोद का रास्ता है, तो अभी मानसून का सीज़न है तो पानी भी बहुत सारा गिर रहा है वहीं से, तो अब देख के ही जाएंगे यहाँ से। तो यहीं से एंट्री करवानी पड़ती है जो आप देख सकते हो वो चेक पोस्ट जैसा। यहाँ से 25 रुपये लेते हैं एक बाइक के, तो हमने दो बाइक है तो 50 रुपये दे के हम लोग ने एंट्री करवा ली है और जा रहे हैं गिरादोद की ओर। तो देख सकते हो बहुत सारे टूरिस्ट है क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन मैं निकला था घर से, तो बहुत ही पब्लिक मिली, राइडर भी लोग बहुत ज़्यादा मिले मेरे को, और पूरा रास्ते पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखी मेरे को तो, और पब्लिक भी इतनी सारी है घूमने के लिए निकली है, क्योंकि सैटरडे संडे है इसके हिसाब से पब्लिक ज़्यादा मिलती है इधर देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है अपने को भी। तो देख सकते हो अभी हम पहुंच गए चुके हैं, अभी गाड़ी को इधर पार्क करते हैं, बाद में वहीं पे देखने के लिए जाते हैं, तो आपको भी मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है गिरादोद, तो बहुत सारा पानी अभी दिख रहा है, नीचे भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नीचे गए हुए हैं, लेकिन हम लोग वहीं पे जाने नहीं वाले क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते हम लोग। तो देख सकते हो बहुत बड़ा बड़ा वाटरफॉल है और बहुत पानी गिर रहा है अभी, देखो तो ये जो बाजू में मेरे राइट साइड में जो नदी है वही नदी गिरादोद की ओर जा रही है और वही से पानी गिर रहा है नीचे, और आप देख सकते हो मेरे साइड में नदी चल रही है साथ में, और ये साइड पे हरियाली है, तो इतना अच्छा रास्ता दिख रहा है मेरे को, ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी गाड़ी राइड करने का।
इधर भी चेकिंग। तो भाई मेरे को एक स्पॉट दिख गया यहाँ से, बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है मेरे को वो पहाड़ों, तो मेरे को फ़ोटो निकलने का मन हो गया इधर। तो अभी मैं रुकूँगा, सापुतारा से जस्ट 5-6 किलोमीटर के ही बीच में है। तो आपको वो फ़ोटो कहाँ पे मिलेगा, तो मिलेगा आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, तो यही नाम से है अपना इंस्टाग्राम आईडी भी, तो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, और फॉलो भी करो इंस्टाग्राम पर। तो इधर रुकते हैं और फ़ोटो निकालते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो हमने निकाल लिए। बाद में फॉगी हो गए इधर, पूरा कोहरा ही कोहरा है, देख सकते हो आप, रास्ता भी नहीं दिख रहा है मेरे को, ये भेड़ बकरियाँ भी नहीं दिख रही अभी। तो लाइट ऑन कर दिए हम लोग ने, हम लोग तो वहीं से नीचे उतर गए, तो इधर फॉग थोड़ा कम है, और जब नीचे उतरेंगे तो फॉग दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत था ऊपर जो हिल जैसा था, इसके हिसाब से वहीं पर फॉग जैसा वातावरण था। यहाँ पर भी भाई बहुत ज़ोर से चेकिंग चल रहा है, यहाँ पे भी जो अपनी गुजरात पासिंग की गाड़ी जो होती है उनको ज़रूर चेक करते हैं इधर। तो नासिक है 48 यहाँ से, तो ये टोल प्लाज़ा है, अभी बंद है, नया नया बना हुआ है, क्योंकि मैं भी आगे आया था सप्तशृंगी के लिए, तो ये टोल नहीं था, अभी ये बन चुका है, रास्ता भी पूरा बहुत अच्छा बन चुका है, तो टाइम भी अपना बहुत कम जा रहा है अभी। तो कभी भी आओ भाई, गाड़ी के कागज़ वगैरह सब साथ में रखो, क्योंकि अपने को कोई दिक्कत नहीं हो सके।
और अच्छे से चलो पूरा राइडिंग गियर लगा के। तो भाई मैं नासिक में पहुंच चुका हूं और लिखा है नासिक में आपका हार्दिक स्वागत है, तो अपना जो डेस्टिनेशन है वहीं पे मैं पहुंच चुका हूं। वेलकम टू नासिक सिटी। चलो चलो ये हम वापस खाने के लिए रुकेंगे, वहीं पे तो नाश्ता किया था, तो यहीं पे है शिव तारा होटल, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, मेरे फ्रेंड ने बोला, तो यहीं पे हम रुकते हैं, अभी खाना खा लेते हैं, बाद में हम होटल के ऊपर जाएंगे। तो जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करना, कॉमेंट भी करना भाई। तो अपना खाना भी बहुत अच्छी तरीके से हो गया, इधर बहुत अच्छा खाना था, स्वाद भी बहुत अच्छा था, और मैं नासिक के अंदर पहुँच चुका हूँ, अभी होटल के ऊपर जा रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, और शाम को नासिक सिटी भी घूमने का है मेरे को, तो बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय लवली पीपल्स, हर हर महादेव।